नमस्कार, पल पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नैंसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन खबरों से। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान पहुंची सिरसा और पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। सुमित्रा चौहान ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री देश की जनता को ठगने का किया काम। कांग्रेस की दिल्ली जन आक्रोश रैली का दिया न्योता। सुरेंद्र भाटिया अमर सिंह की देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान आज सिरसा पहुंची और कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष उर्मिल भारद्वाज की अध्यक्षता में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे, जो कि सभी राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगा रही है, मगर बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। जब मेवात में घटना हुई थी, आपको ध्यान होगा, संज्ञान में होगा, खास तौर से पत्रकारों के सामने जवाब दिया था, तो मुख्यमंत्री जी ने जिस बात से आहत हैं, वो कारण बहुत बड़ा ये है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था मेवात में जब बलात्कार हुआ, गैंगरेप की हुई, कि अपराध बढ़ रहा तो कहे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती। अगर मुख्यमंत्री जी बलात्कार, गैंगरेप और हत्या को छोटी मोटी मानते हैं, इसलिए हम ये बात पूछना चाहते हैं आधी आबादी कि फिर बड़ा अपराध क्या है, कैसे हरियाणा बचेगा। हरियाणा की बात नहीं, आप जब महिलाओं के बारे में इतनी छोटी सोच, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने ना तो कभी बेटियां पढ़ाई, ना सुरक्षित करने की चिंता हुई, ना कभी फीस भरने की हुई, ना कभी बीवी ने ये तंग किया कि ये सब्जी महंगी क्यों होगी, ठीक है ना, ना गैस के दाम क्यों बढ़ गए। इसलिए वो जब वो कहते हैं ना, दूसरे की पीड़ा से पीड़ा महसूस नहीं कर सकता, जो लगती है उसको महसूस करता है।